नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों ऐसा करता हूँ, आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास कोई समस्या आने से पहले 100 बार विचार करती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग अपने जीवन में कई सारी समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे धन घर में आया सही, लेकिन अचानक कुछ इस टाइप के खर्च आ जाते हैं जो अनावश्यक होते हैं और उस खर्च में वो धन व्यर्थ का खर्च हो जाता है। अचानक किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाना कि वो धन खत्म होगा, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। घर में कलह कंका, आपस में लड़ाई झगड़े, द्वेष घर के फैमिली मेंबर्स में आपस में चलते रहते हैं। तो दोस्तों कहा है, वो स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जिस फैमिली में, जिस परिवार में कुमति होगी, एक दूसरे से द्वेष रखते होंगे, एक दूसरे से जेलर्सी होगी, लड़ाई झगड़े होते होंगे, तो वहां देवी देवता आना पसंद नहीं करते और वहां दरिद्रता ही अपना निवास स्थान बनाती है उस घर को। दोस्तों आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के सामने आपके पास एक लिमिटेड पैसे आते हैं जो उस मेहनत के सामने काफी कम होते हैं। चाहे मेहनत आपकी शारीरिक हो या दिमाग की मेहनत हो, तो दोस्तों उस आपके काम का जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप की जब समस्याएं होती हैं, एक और होती है जैसे घर में बच्चे शादी के लायक हो गए और उनका शादी संबंध नहीं हो पा रहा है, बच्चे काबिल हो गए और उनको उनके लेवल की नौकरी या बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आपके ऊपर राहु का प्रकोप हो, राहु की कुदृष्टि जब आपके ऊपर पड़ रही हो, तब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों ये राहु जो है ये एक छाया ग्रह है, जिसके भी ऊपर ये नाराज हो जाए वो व्यक्ति करोड़पति भी रोड़पति बन जाता है। और इसको जो लोग खुश कर लेते हैं, कलयुग में राहु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है दोस्तों, उस वो रोड़पति भी करोड़पति हो जाता है, मतलब गरीब भी धनवान हो जाते हैं। ये राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। राहु को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, जो भी मेरी चैनल की पहली बार मुलाकात ले रहा है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, राहु को खुश करने के लिए आपको क्या करना है। राहु अगर आपके ऊपर खुश हो जाते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन आपके यहाँ चारों दिशाओं से बरसने लग जाएगा। और जिसके पास धन होता है दोस्तों, उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है, मान प्रतिष्ठा यश गौरव वैभव कीर्ति सम्मान सब कुछ उसके पास होता है। कलयुग में पैसे को ही भगवान माना गया है दोस्तों, पैसा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये क्रिया आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसे तो
लेकिन मंगलवार बुधवार या शनिवार करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो दोस्तों आप शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, इन दिनों में की गई रविवार को कर सकते हैं, इन दिनों में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। दोस्तों आपको एक सफ़ेद चंदन की लकड़ी ले आनी है। क्या लाना है? सफ़ेद चंदन की लकड़ी ले आनी है, क्योंकि चंदन में विष का कोई असर नहीं होता है और राहु का शरीर सांप का है। तो चंदन एक ऐसी चीज है कि उसके ऊपर राहु का कोई असर नहीं होता। चंदन की आपको सफेद चंदन की छोटी सी लकड़ी ले आनी है, आधा इंच या एक इंच, किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगी। और आपको एक ब्लू कलर का एक कपड़ा ले लेना है। कपड़ा आपको रूमाल की साइज का या उससे लंबी पट्टी के तरफ कपड़ा आपको लेना है। आपको नहा धो के स्वच्छ होके अपने पूजा स्थान में जाना है और आपके पूजा में आप जैसे दीपक जलाते हैं उस तरह दीपक जलाएं, पुष्प या जो भी आप अर्पित करते हैं वो सब अरेंज कर दें, घी का दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें और किसी एक बर्तन में वो नीले कपड़े को बिछा दें और उसके ऊपर स्वच्छ पानी में धोने के बाद वो चंदन की लकड़ी को आप रख दें। चंदन की लकड़ी चाहे भले उसका गेहूं कलर भी होगा तो चलेगा, लकड़ी का कलर होगा तो भी चलेगा, सफेद होगा तो भी चलेगा। उस लकड़ी को रख के आप उस पर थोड़े से पुष्प चढ़ा दें, थोड़ा हल्दी चावल छत उसके ऊपर चढ़ा दें, थोड़ा कंकु चढ़ा दें, सिंदूर है वो चढ़ाने के बाद आपको एक माला ले लेनी है। माला चाहे रुद्राक्ष की हो या स्फटिक की हो और कोई नहीं है तो तुलसी की माला भी ले लें, आप कोई भी एक माला ले लें। और एक मंत्र का आपको 108 जाप करने हैं, जिससे वो लकड़ी अभिमंत्रित हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगी। ओम राहवे नमः मंत्र मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुने। ओम राहवे नमः इस मंत्र का आपको 108 जाप करने हैं, मतलब एक माला जाप करने के बाद आप उस लकड़ी को उसी ब्लू कलर का जो आपने कपड़ा रखा है उसी कपड़े में गांठ बांध लें और अपने राइट हैंड में उसको बांध लें, और महिलाएं अपने लेफ्ट हाथ में उसको बांध सकती हैं, गले में भी पहन सकती हैं, पुरुष भी गले में भी पहन सकते हैं और हाथ में भी बांध सकते हैं। बस उस लकड़ी को आप अपने हाथ में बांध लीजिए। वो लकड़ी बांधने के बाद आपके जो राहु हैं वो आपके ऊपर खुश हो जाएंगे दोस्तों, और जिसके ऊपर राहु खुश हो जाए उसको इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो जो चाहेगा, जो करेगा, जो सोचेगा वो सब कुछ अपने आप होते चला जाएगा और सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा राहु। राहु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए दोस्तों वो धन को समेट नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें बस। ये लक्षण जिसको भी दिखे उसके जीवन में दोस्तों समझ जाइए कि आपके ऊपर राहु का की कुदृष्टि पड़ रही है या राहु आपके नाखुश हैं आपसे, तो करते रहिए। नमस्कार।